हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बेरोजगारी के ऊपर निबंध लिखेंगे। ये निबंध बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास टेंथ के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे हम प्रस्तावना, ठीक है। तो संसार की अनेक प्रकार की समस्याओं में बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या है। यदि यह कहा जाए कि बेरोजगारी ही अनेक पारिवारिक, व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं की जड़ है तो गलत नहीं होगा। मानसिक बीमारियां हो या पारिवारिक कलह अथवा समाज में हिंसा और आतंकवाद आदि के पीछे अन्य कारणों के साथ साथ बेरोजगारी का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसके कारण क्या हैं? तो चलिए कारण देखते हैं। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है औद्योगिक क्रांति के बाद सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। यानी कि जैसे कि पहले छोटे 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 कामों को हाथ से किया जाता था, लेकिन आजकल क्या होता है कि मशीनों द्वारा किया जाने लगा है, ठीक है। जैसे छोटे छोटे हाथों का काम बड़ी बड़ी मशीनों और कल कारखानों ने ले लिया। महीनों का काम घंटों में होने लगा, उत्पादन बढ़ गया और अनेक लोगों को कल कारखानों में काम करने का मौका भी मिला, किंतु सब लोगों को नहीं। पहले सब लोग अपना काम खुद करते थे और अपनी ज़रूरत की चीज़ें बना लेते थे, पर आज सब लोगों के लिए काम कुछ लोग करते हैं और लोग बेकार हैं। बेरोजगारी के अन्य कारणों में प्रमुख है शिक्षा व्यवस्था का ठीक ना होना। हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था पश्चिमी देशों के वातावरण पर आधारित है। हम ऐसी शिक्षा पाते हैं जो जीवन में हमारे काम आएगी या नहीं कहा नहीं जा सकता। हम पढ़ते लिखते इसलिए हैं कि हमें मेहनत ना करनी पड़े और हम पढ़ लिख कर दूसरों पर राज करें। यह गलत धारणा है हमें आज की शिक्षा देती है। यह गलत शिक्षा हमें केवल स्कूल कॉलेजों से ही नहीं बल्कि घर परिवार, फिल्मों और टीवी चैनलों से भी मिलती है। जनसंख्या का अधिक बढ़ जाना बेरोजगारी का एक अन्य कारण है। हर काम के लिए आज कोई ना कोई मशीन है। दफ्तरों में क्लर्क तथा अकाउंटेंट का काम करने के लिए कंप्यूटर हैं, इसलिए मानव के करने लायक आज काम अधिक नहीं बचे हैं। ऐसी स्थिति में जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतनी बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इसके निपटने के उपाय क्या हो सकते हैं? तो बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए आवश्यकता है कि जनसंख्या पर नियंत्रण रखने के साथ साथ मशीनों की संख्या पर भी नियंत्रण रखा जाए और मशीनों तथा कंप्यूटरों का प्रयोग वहीं किया जाए जहां मनुष्य अपनी शक्ति नहीं लगा सकता। साथ ही उपयोगी ज्ञानदायक तथा स्वरोजगार की शिक्षा मिलनी चाहिए। बेरोजगारी दूर करने के लिए लोगों के विचार बदलने होंगे तथा कुटीर उद्योगों को अधिक बढ़ावा देना होगा। और लास्ट टॉपिक में आते हैं हम उपसंहार। बेरोजगारी किसी देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है, क्योंकि इसके कारण दूसरी समस्याओं के साथ साथ देश के गुलाम हो जाने का खतरा भी रहता है। इसलिए सबसे पहले इस समस्या से निपटना जरूरी है। बेरोजगारी पे निबंध प्रायः हर बोर्ड के एग्जाम में आता ही रहता है, तो आप लोग एग्जाम लिखने से पहले इसे एक बार अच्छे से जरूर करके जाएं, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।